ओके सो गाइस, आप यकीन नहीं करोगे कि मुझे अभी क्या मिला है। मैं खुद यकीन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वो चीज़, वो क्रीचर एशिया का सबसे रेयरेस्ट मौत है। मैंने जैसे ही उसको देखा, मैं भाग के यहाँ पे आ गया। मैंने अपना टॉर्च बंद कर दिया, क्योंकि मुझे डर ये था कि अगर मैं उस पर टॉर्च मारूँ तो शायद वो उड़ जाए। वैसे वो नहीं उड़ते जितना मैंने सुना है, बट मैंने उस क्रीचर को आज पहली बार देखा है एंड मैं बहुत अमेज्ड हूँ। तो अभी जाके मैं उसे अप्रोच करता हूँ। मुझे डर ये कि अगर मैं उसे अप्रोच करूँ तो वो उड़ ना जाए। मैं भी इस तरीके से लाइट नीचे मार रहा हूँ ताकि मैं सिर्फ रिफ्लेक्शन में उसे देख पाऊँ। वाह, सो इफ यू गाइज आर रेडी देन लेट्स बिगिन टूडेज एडवेंचर विद द एटलास मॉथ। आप में से बहुत लोगों को शायद इसका नाम ना पता हो, पर जितने भी वाइल्ड लाइफ में लोग हैं, जितने भी नेचुरलिस्ट हैं जो कभी भी नेचर में स्पॉटिंग करने गए, वो सब जानते हैं कि मेरे सामने क्या बैठा है। सो गाइस, आई प्रेजेंट टू यू वन ऑफ द मोस्ट रेयरेस्ट मॉथ ऑफ एशिया, द एटलास मॉथ। एंड ये मॉथ को देखना शायद सबके बस की बात नहीं है। 50% ऑफ पीपल हु आर इनटू वाइल्ड लाइफ, उन्हें ये मौत नहीं पता, उन्होंने कभी ये मौत नहीं देखी। इनफैक्ट इवन फॉर मी, मैं ज़िंदगी में पहली बार ये मौत देख रहा हूँ। एंड शी इज़ ब्यूटिफुल, एंड मैं इसे शी बोल रहा हूँ क्योंकि शायद तक ये एक फीमेल है। लुकिंग एट द विंग साइज, मेल थोड़े कंपेरेटिवली छोटे होते हैं, दिस इज़ अ ह्यूज साइज। ये एक फीमेल है एंड रेयर इसीलिए क्योंकि एटलास मौत बहुत ब्यूटिफुल होती है, बट उसी के साथ साथ इनकी लाइफ स्पैन बहुत छोटी होती है, मैक्सिमम 5 to 6 days। तो ये जो एज, आप अगर देखोगे इसके विंग का, तो ये आपको एक स्नेक के हेड की तरह दिखेगा। सो दिस इज़ अ डिफेंसिव फीचर जो उनके विंग्स में है। सो अनलाइक अदर बटरफ्लाइज और मॉथ्स, ये बहुत ही ह्यूज होते हैं, जिसकी वजह से अपने प्रेडेटर्स को ये बहुत जल्दी दिख जाते हैं। सेकेंडली, अगर आप देखोगे तो ये ग्रीन कलर के प्लांट पर बैठे हैं एंड ये खुद एक ब्राउन कलर का मॉथ है, तो बहुत जल्दी ये स्पॉट हो जाता है दूसरे एनिमल्स से। उन एनिमल से बचने के लिए, उन प्रेडेटर्स से बचने के लिए ये डिफेंसिव मैकेनिज्म यूज़ करते हैं, जिसके वजह से जो प्रेडेटर्स हैं उन्हें ऐसा लगता है कि ये कोई स्नेक है एंड ये इसके पास फिर नहीं आते। अगर इस मौत को मैंने यहाँ स्पॉट किया, इसका मतलब इसने कहीं ना कहीं पास में अपना ककून ब्रेक किया है एंड हो सकता है कि यहाँ एक से ज़्यादा एटलास मौत हो। इसके विंग्स बहुत ब्यूटीफुल है एंड इसके विंग्स दूसरे बटरफ्लाइज की तरह नहीं दिखते, इसके विंग्स लेदर के दिखते हैं, ऐसा लगता है कि लेदर से बने हुए विंग्स है ये। साइज, अगर ये उड़े तो किसी को लगेगा कि ये कोई बैट है। अब कमेंट में किसी का क्वेश्चन आएगा मुझे कि एटलास मौत फीड किस पे करती है, तो लेट मी टेल यू गाइस कि एटलास मौत किसी भी चीज़ पे फीड नहीं करती, क्योंकि इसका लाइफ स्पैन इतना कम है। जब ये एक मौत बन जाती है तो ये इस तरीके से इवॉल्व हुआ है कि ये सिर्फ मेट करते हैं, एग ले करते हैं और मर जाते हैं। सो एटलास मौत के पास मुँह नहीं होता खाने के लिए, तो ये कुछ खाती नहीं है 5 से 6 दिन में। इसके पास एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोसेस होता है, उसे वो कंप्लीट करना होता है, इसीलिए एटलास मौत को देखना बहुत ही रेयर हो जाता है। ये ज़्यादा कॉमन नहीं है, ये ऐसी नहीं है कि हर जगह आपको देखने मिल सकती है। शायद ही और कोई एनिमल होगा जो मेरे विश लिस्ट में इतना ऊपर था देखने के लिए। सबसे टॉप एटलास मौत ही थी, मैंने कभी ये भी नहीं सोचा था कि मुझे मिलेगी, मिल गई, गुड। इसके बाद आई होप मुझे और भी ऐसे एनिमल्स मिलते रहे, आई होप आपको भी ऐसे एनिमल्स देखने मिलते रहे मेरे वीडियो के थ्रू। इफ़ यू लाइक द वीडियो, डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक माई वीडियो, शेयर टू योर फैमिली, शेयर टू योर फ्रेंड्स, उनको ही पता चलने दो यार कि एटलास मौत कितनी ब्यूटीफुल, कितनी अमेजिंग एंड कितनी लेजेंडरी है। विद दैट सेड, टेक केयर, लॉन्ग लिव नेचर, बाय।